देखिए सबके जन्मदिन होते हैं ना, सबके जन्मोत्सव होते हैं, बड़े लोग खुशी मनाते हैं, इनका जन्मदिन आया, उनका जन्मदिन आया, बधाई दो, ये दो, वो दो। लेकिन जन्मदिन में केक काटना, ये सब करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जन्मदिन में हो सके तो दीप दान करो। क्यों? अगर मेरी आयु इतने वर्ष की पूर्ण हो करके मैं इतने वर्ष में आ गया हूं या आ गई हूं, तो मेरे इतने वर्ष महाराज अंधकार में जा चुके हैं, अब मेरी शेष कितनी आयु बाकी रह गई? इतना तो चला ही गया, एक चौथाई जीवन गया, उसमें हैप्पी बर्थडे क्या करना, क्या करना उसमें, क्या खुशी मनानी? इतने जीवन चले गए महाराज। सोचने वाली विषय है, क्या मैंने लक्ष्य पा लिया? जो मैं चाहता हूं वो मैंने इच्छित वस्तु पाई? नहीं पाई। उसमें तो सोचने वाली बात है, लोग वहां पर महाराज बड़ा वो मना रहे होते हैं। उस दिन भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा इतने जीवन चले गए, लेकिन जो अब ये साल निकले ना मेरा, इसमें आप ऐसी मुझ पर कृपा करिएगा, इस वर्ष मेरा खराब ना हो, मैं वही आपसे आशीर्वाद। उस दिन आशीर्वाद संतों का लेना चाहिए, उस दिन आशीर्वाद देवता इष्टों का लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका गए, पूरी लंका में उन्होंने मां सीता को खोज डाला, कहीं नहीं मिली मां जानकी, कहीं भी नहीं मिली। सुबह के 4 बज गए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है विभीषण का, वहां कोई भेंट नहीं होती विभीषण से, ये तो तुलसीदास जी की रामायण में विभीषण से भेंट होती है। वहां हनुमान जी ने एक एक घर छान मारा, कहीं जानकी नहीं। हनुमान जी मन में विचार, अब मैं खाली हाथ गया तो प्रभु को क्या जवाब दूंगा, क्या मैं सोते हुए रावण को ले जाऊं और भगवान श्री राम के समक्ष लाके कह दूं कि इसने ना जाने कहां मां जानकी को छुपा दिया, आप इससे पूछें। तो कहा ऐसे ले जाना गलत होगा, क्या करूं, कहां जाऊं, इसने कहीं लंका से बाहर तो मां जानकी को कैद नहीं कर लिया, क्योंकि कहीं नहीं मिले। उस समय हनुमान, वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, उस समय हनुमान जी ने रुद्र देवता, मरुद देवता, समग्र देवी देवताओं का जाप किया, प्रार्थना की, मुझे सद्मार्ग, कोई ऐसी किरण दिखाओ जिससे मैं अपना कार्य कर सकूं। और याद रखिए, देवता असर ऐसे नहीं करते कि आपका हाथ पकड़कर खुद चलाएंगे, वो आप में कोई ऐसा विचार पैदा करते हैं, कोई ऐसा मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम चलोगे और उनकी शक्ति तुम्हें वहां पर सीधे चला देगी, तुम जाना भी नहीं चाहोगे पहुंच जाओगे, तुम्हारे मन में वो विचार उठ ही जाएगा। और वो शक्ति मिली हनुमान जी को कि अचानक उनके मन में ऐसा भाव आया कि एक बार और चक्कर लगा के आता, वो उठे और वहीं पास में एक बगीचा था प्रमदावन, वहां के अंदर जाते हैं, जिसको अशोक वाटिका कहते थे, उसके अंदर एक वन था प्रमदावन, जहां बहुत सारी राक्षसियां घेर करके माँ को बैठी थी, प्रताड़ना दे रही थी। और कृष्णकाय एक नारी को देखकर जो उन भयानक राक्षसियों डर रही थी, चारों ओर महाराज उसको पहरेदारों ने, राक्षसों ने घेर रखा था, ऐसी जगह में माँ को कैद देख के पहचान लिया, यही जानकी है। वो दिशा किसने दी? देवताओं ने दी। आपके इष्ट ऐसे मदद करते हैं, देवता ऐसे मदद करते हैं। जब जब आप याद करेंगे, जब जब आप उनका स्मृति करेंगे, स्मरण करेंगे, तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अपने जन्म उत्सव इत्यादि पर भगवान का आशीर्वाद लिया करें, संतों का आशीर्वाद लिया करें, मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया करें। कहीं अकाल मृत्यु भी होगी बीच में, तो उसमें भी आपको जीवन दान मिल जाएगा। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, पश्चिम दिशा का कल्चर हमारे यहां हावी हो गया। हमारे यहां दीप प्रज्वलित करने की संस्कृति है, फूक मार के दीप बुझाने की नहीं। लोग क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जिसका है वो उसके लिए नाम लेकर के फलाने को हैप्पी बर्थडे, और फिर उसके बाद फूक मारेंगे, सारी की सारी मोमबत्तियां बुझा देंगे। मतलब हे भगवान, हमारा जीवन ऐसे ही अंधकार में चलो जाए, यही हुआ, मतलब यही है। या ये कि मेरा जीवन अब तक अंधकार में था, प्रभु ऐसा प्रकाश, जिस प्रकार ये दीपक कर रहा है, उसी प्रकार मेरा भी प्रकाश मेरे पूरे परिवार में, समाज में, सबके कार्य के लिए मैं प्रकाशित हूँ, ऐसा प्रकाश मुझे देना, धन का, संपदा का, वैभव का, पद का, ज्ञान का, आपकी भक्ति का, वो प्रकाश मांगना चाहिए।
भगवान को दीपक की आवश्यकता नहीं है महाराज। ये जो हम दिए इत्यादि जलाते, पूजा इत्यादि करते, प्रभु के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। भगवान के घर में अंधेरा नहीं है, अंधेरा हमारे दिल में है। उसको दिखाकर हम कहते कि हमारे दिल वाले अंधेरे में तू प्रकाश कर दे। इसलिए जन्मदिन पर आपको दीपक जलाने चाहिए, जिससे वो आपके जीवन में प्रकाश कर दे।